छुपाने वाली कौन सी बात है? हाँ, हम प्यार करते थे, तो जोर लेके बता रहा है वो कि हम प्यार करते तो थे। लेट दैट लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास सीक्रेट रूल्स ऑफ डू डज डी। हम सीखेंगे डू डज और डिड के यूजेस, ठीक है? ऑलमोस्ट 8 to 9 यूजेस होंगे डू डज और डिड का, और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, यूनिक तरीके से, मीन्स हर जगह में हम वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है? स्पेशली इन स्पोकन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो वेयर शुड बी यूज डू और डज एंड डिड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू किसके साथ लगाएंगे? ठीक है, डू इज यूज्ड। सब्जेक्ट आई वी यू एंड दे। सबसे पहले हमें पहचानना है इसको कि हम डू का यूज किसके साथ करेंगे। सब्जेक्ट आई वी यू एंड दे। सेकेंड नंबर डज इज यूज्ड ई एंड मी। थर्ड वर्ड डी इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट इन पास्ट सिंपल टेंस। अंडरस्टूड? इंग्लिश में लिखा है बट मीनिंग इजी है। डू इज यूज विद सब्जेक्ट आई वी यू दे। डू का प्रयोग हम सब्जेक्ट किसके साथ? आई वी यू दे के साथ करेंगे। डज इज यूज विद सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। कौन से टेंस में? पास्ट सिंपल टेंस में। पढ़ते हैं फिर यूज नंबर वन डू। देखो मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूं, ठीक है? डू डज और डिड। इज यूज्ड एज मेन वर्ब। डू डज डिड एक वर्ब का काम करता है कि नहीं करता है? करता है। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि डू डज डिड इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है। जैसे देखो तो आई डू दिस वर्क। आई डू दिस वर्क मीन्स आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूं, मैं यह काम करता हूं। तो यहां पर आई के साथ क्या लगाए हम? डू। द सेम थिंग यहां पर हम कर सकते हैं, ही does this work, he does this work means वह यह काम करता है। he कौन सा person? third person singular subject। इसी को जैसे कि यहाँ पर हमने कहा did भी work का second form है, do का second form है ना। तो जैसे कि मैंने यह किया तो क्या बोलोगे? I did this। मैंने यह किया, ठीक है? यू डिड दिस, तुमने यह किया। तो डू डज और डिड किसके तरह यूज हुआ यहाँ पर? एज अ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में काम किया ना, ये यूज नंबर वन। इसी का हम और क्या क्या बना सकते हैं? निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा ना, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो टेंस में है तो चार प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और बना सकते हैं हम। इसी का अगर हम निगेटिव करेंगे तो क्या बनेगा? आई डोंट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करता, मैं यह काम नहीं करता हूं। तो यहां पर डू भी है और यहां पर भी डू वर्ब है। तो यहां पर डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर डू मेन वर्ब है।
ठीक। सेम यहां पर हम अगर पास्ट में निगेटिव बनाएंगे तो आई डिड या फिर डिडंट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं किया। तो यहां पर डिड है और यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब निगेटिव बनाते तो फर्स्ट फॉर्म बदल जाता है तो डू आ गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी बनेगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनेगा। चलो यूज नंबर टू देखते हैं। इम्फेटिक सेंटेंस, इम्फेटिक मीन्स होता है जोर देना। क्या करना? जोर देना। अभी प्रोनाउन पढ़ो, उसे पढ़े ना इम्फेटिक सेंटेंस। जोर देते हैं किसी चीज को तो इम्फेटिक कहते हैं। जैसे मैं किसी काम को करता तो हूं, क्या बोलूंगा? करता तो हूं। ता हूं, ते हूं, ती हूं। जैसे मैं खेलती हूं तो मैं खेलती तो हूं, मतलब उस काम को मैं क्या करता हूं? करता ही हूं। जैसे मैं बोल दूंगा होमवर्क नहीं करते हो तो आप बोलोगे मैं होमवर्क करता तो हूं, तो ता हूं। ठीक है, किसी काम को करता तो करता ही तो हूं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखते हैं इसको। मैं पढ़ता तो हूं, ठीक है, एक तो मैं पढ़ता हूं और मैं पढ़ता तो हूं, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं। जैसे मैं बोला नेहा घूमती है तो बोलेगी मैं पढ़ती तो हूं, है ना। जैसे मम्मी पापा डांटते हैं कि नहीं डांटते? दिन भर खेलती रहती है तो मैं पढ़ती तो हूं, तो हूं, लेकिन उसमें उसके पहले हम क्या कर रहे हैं? उसमें प्रेशर दे रहे, जोर दे रहे हैं। तो कैसे बोलूंगे उसको? इसमें हम डू या डज को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, यहां हम पढ़े कि नहीं, अगर आई वी यू दे होगा तो डू लगाएंगे और थर्ड पर्सन होगा तो डज। जैसे मैं बोला मैं पढ़ता तो हूं, तो आई के बाद हम लगाएंगे डू और फिर लगाएंगे वर्ब। आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। जैसे मैं बोल दूंगा कि किरण स्कूल नहीं जाती तो बोलेगी मैं स्कूल जाती तो हूं, तो किरण के साथ क्या लगाएंगे? डज, है ना। तो जैसे किरण डज गो टू स्कूल, स्कूल किरण स्कूल जाती तो है, तो उसमें हम क्या दे रहे हैं? प्रेशर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो जब हमें किसी चीज को जोर देकर बोलना पड़ेगा तो वर्ब के बाद क्या लगाओगे? डू या डज और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि यू डू टॉक, तुम बात करते तो हो। अब जैसे दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया और मैं पूछ रहा हूँ किरण और रेखा बात करते हो कि नहीं, तो किरण बोल रही नहीं बात करती और मैं देख चुका हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? यू डू टॉक, तुम बात करते तो हो। कभी कभी कुछ लोग खड़ूस रहते हैं, कभी मुस्कुराते भी नहीं, तो कभी तो मुस्कुरा लिया कर तो बोलेगा आई डू स्माइल, मैं मुस्कुराता तो हूँ। चलो इस सेंटेंस को देखो, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है, सही है। कितने लोग सही वाले हो, रेज योर हैंड। गलत वाले कितने जने हो? गलत वाले। हाँ, अच्छा से विद कॉन्फिडेंस। हाँ, 6-7 लोग गलत हैं और बाकी लोग कंफ्यूज। सेंटेंस क्या देखो तो सही है, सेंटेंस क्या है? सही है। वी डू, ये डू किसके लिए? जोर देने के लिए। और ये डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वी डू डू दिस वर्क, हम यह काम करते हैं। तो सेंटेंस गलत कैसे होगा? सही होगा। ठीक है, अगर ऐसे किसी को लिख कर दे दोगे तो सेंटेंस क्या है बोलेगा? गलत है बोलेगा, जबकि वो क्या है? सही है। वी डू डू दिस वर्क, हम यह काम करते हैं। ये प्रेजेंट का था, अब इसका हम क्या कर रहे हैं? सेकंड यूज का पास्ट है। तो था, जैसे ही तो हूं, है ना, उसमें तो था। जैसे मैं मिलता तो था, मैं मिलता तो था, तो हम जोर देकर कह रहे हैं। चलो वी डू के जगह हम क्या हो जाएगा? वी डिड मीट, क्या होगा? वी डिड मीट, वी डिड मीट, हम
मिलते तो थे, मीन्स ये बता रहा है जैसे कि पास्ट में हम लोग क्या क्या करते थे, उस काम को करते थे, जोर देके बता रहे हैं कि हम मिलते तो थे। हाँ वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि जैसे मैं घर से बाहर रहता था है ना, तो मैं बोलूंगा मैं खाना बनाता तो हाँ। तो क्या बोलूंगा? आई डिड कुक फूड, मैं खाना बनाता तो हाँ। ठीक है, जैसे हम प्यार करते तो थे, तो फिर कैसे बोलोगे? होगा। अब जैसे पहले प्यार करते थे अब बिछड़ गए तो नहीं बोलेंगे क्या? बाद में आप दोनों क्या हो जाओगे? बिछड़ जाओगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे? We did love। अब इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? हाँ हम प्यार करते थे, तो जोर देके बता रहा है वो कि हम प्यार करते तो थे, करते तो थे है ना, इस सेंस में तो थे, जोर देने के सेंस में। ठीक है, इसका क्या नहीं बनेगा? इंटरोगेटिव नहीं बनाते हैं, ठीक है। कंपल्सन क्या होगा? कंपल्सन, यू नो कंपल्सन, किसी काम को करना ही है वो तो कंपल्सन। जैसे स्कूल आपको जाना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा, पड़ेगा ही ना, तो उस काम को आपको करना ही पड़ेगा, वो तो कंपल्सन मींस जरूर के सेंस में। ठीक है, कंपल्सन होगा इम्फैटिक, ये भी क्या होगा? इम्फैटिक होगा, ये भी सेंस क्या होगा? जरूर। सेंस क्या होगा? जरूर। जैसे जरूर आना, जरूर खाना, जरूर पढ़ना, जरूर सोना, जरूर बात करना, तो जरूर क्या बोले हम? जरूर। शुरू में लगाएंगे डू, क्या लगाएंगे? डू। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का अभाव रहेगा, डूअरलेस, ठीक है। जैसे कि जरूर आना तो मैं क्या बोलूंगा? डू कम, डू कम, तो मीनिंग क्या होगा? जरूर आना। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसको आना पड़ेगा ही ना, मतलब वहां पर क्या है? कंपल्सन है। ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे फोर्स कर रहा हूँ कि तुमको क्या करेगा? आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हाँ, डू कम क्या होगा? जरूर आना। अब जैसे किसी के यहाँ जाना है तो जरूर जाना, तो डू गो क्या बनेगा? डू गो, जरूर जाना। जरूर पढ़ना तो फिर डू रीड। जरूर लिखना कैसे बोलेगी? डू राइट। और एग्जांपल बना, हाँ ठीक है, जल पूजा यस यू वॉच, ये यूज थ्री है इसका रिपीटेड नाउ। जब भी किसी को जोर देना है ना, जैसे बोलो कि सर हमारे यहाँ जरूर आना, तो डू कम, ऐसी में हम अगर रिक्वेस्ट कर दें, आगे बताऊंगी इसमें, जैसे हम रिक्वेस्ट के साथ कंपल्सन करेंगे तो प्लीज डू कम क्या हो जाएगा? प्लीज डू कम, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर देंगे, रिक्वेस्ट प्लस कंपल्सन। अब अपने से जो बड़े हैं है ना, एल्डर वन, उसको रिक्वेस्ट तो करोगे ना? Yes। जरूर आना, लेकिन किसके साथ? रिक्वेस्ट के साथ। तो रिक्वेस्ट जब करोगे तो यहाँ पर क्या लगा देना? रिक्वेस्ट प्लीज लगा देना, ठीक है। एग्जांपल क्या बनेगा? फिर प्लीज डू कम, कृपया करके जरूर आना, कृपया जरूर आना, या फिर कृपया करके जरूर आना। Yes, मेरे शादी में जरूर आना। प्लीज डू कम इन माय मैरिज, प्लीज डू कम इन माय मैरिज, ये अच्छा एग्जांपल बताता है। प्लीज डू कम इन माय मैरिज, या फिर मैरिज,
प्लीज डू कम इन माई, मेरी शादी में क्या करना, जरूर आना। लेकिन कैसे कर रहा है, रिक्वेस्ट प्लस कंपल्शन। प्लीज डू डांस विथ मी, क्या होगा बताओ तो, मेरे साथ डांस जरूर करना। क्लूज नंबर 5, ये सबसे ज्यादा बढ़िया है, सब्जेक्ट प्लस डू जज या फिर डिड करना, पास्ट के सेंस में रहेगा तो प्लस नथिंग प्लस बट वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही रहता है मीन्स जब कोई काम को छोड़कर दूसरा काम नहीं करता। जैसे मैं पढ़ता हूँ है ना, तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, वह खेलती ही रहती है, तो ही रहता है मतलब एक काम को छोड़कर दूसरा काम नहीं करता। तब हम लगाएंगे सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज, नथिंग बट प्लस वर्क का फर्स्ट टर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सी डज, सी हो गया सब्जेक्ट, डज हो गया एज अ वर्ब या फिर कंपल्सन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नथिंग, सी डज नथिंग प्लस बट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड अ बुक। मीनिंग क्या होगा, देखो सी डज नथिंग बट रीड अ बुक, वह पुस्तक पढ़ती ही रहती है, वह पुस्तक पढ़ती ही रहती है, वह बातें करती ही रहती है। She does nothing but talk, वह बातें करती ही रहती है। इसका एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है। जब कोई काम को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं होगा तो लगाएंगे नथिंग बट, क्या लगाएंगे, नथिंग बट। जैसे दीपाली बातें करती रहती है, मींस वो हमेशा बातें करती ही रहती है, तो उसको बात करने के अलावा और कुछ काम नहीं है। पुष्पांजलि, दीपाली डज नथिंग बट टॉक, दीपाली क्या करती रहती है, बातें करती ही रहती है। जैसे सतीश को बोलेंगे सतीश खेलता ही रहता है, तो सतीश does nothing but play, सतीश does nothing but play, सतीश क्या करता है, खेलता ही रहता है। नीता does nothing but cry, रोती रहती है। पुष्पांजलि does nothing but abuse, चल किरण, अरे तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, सोना डज नथिंग बट गुड, मिरर गुड, ठीक है। सोना डज नथिंग बट बियर गोल्ड, सोना सोना पहनती ही रहती है, पानी पानी पीती ही रहती है, तो पानी डज नथिंग बट ड्रिंक वाटर, पानी पानी पीती ही रहती है, ठीक है। चलो इसका पास्ट यूज देखते हैं, सी, अब पास्ट यूज में क्या होगा, डिड आ जाएगा, फिर क्या आएगा, नथिंग बट वी, She did nothing but weep. क्या होगा मीनिंग, वह रोती ही रहती थी, रहती है अब प्रेजेंट में, तो पास्ट में थी। जैसे छोटे बच्ची थी तो बोलेंगे दीपाली ना छोटी थी तो रोती ही रहती थी, तो दीपाली did nothing but weep. She did nothing but weep. वह रोती ही रहती थी, वह रोती ही रहती थी। और क्या होगा, वह खेलती ही रहती थी। जैसे एग्जाम में एक जन फेल हो गई तो उसके पापा, अरे तुम दोनों तो एक साथ रहते थे, तेरे इतना नंबर आया,
और वो फेल हो गई, तो आप क्या बोलोगे? वह खेलती ही रहती थी, तो क्या बोलेंगे? She did nothing but play. वह खेलती ही रहती थी. I did nothing but teach. मैं पढ़ाता ही रहता था. ठीक है, या फिर I did nothing but read. मैं पढ़ता ही रहता था. मैं काम करती ही रहती थी तो I did nothing but work. मैं काम करती ही रहती थी. मैं तुम्हें याद करता ही रहता था. I did nothing but miss you. I did nothing but miss you. मैं तुम्हें याद करता ही रहता था. अब नहीं करता हूँ, करता रहता था. Use number 6 for मना करना. Forbid means क्या होता है? कैसे? Example बता मेरे को. इसमें do, does, did ही लगाना है ना, लेकिन किस sense में? Forbid means इसमें हम do के साथ not लगाएंगे. क्या लगाएंगे? Not. ठीक है, do या did या फिर does, लेकिन यहाँ पर does आएगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी सी का यूज करेंगे नहीं, है ना. सीधा सीधा जैसे मैं बोलूंगा don't come here, क्या बोलूंगा? तो मैं क्या किया? Forbid किया, है ना. तो क्या कि मना किया, तो इस सेंस में क्या होगा? Don't come here, यहाँ मत आना. तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? मना कर रहे हैं. खाना मत खाना. Don't eat food. खाना मत खाना. ठीक है, और क्या होगा? Don't touch a flower. फूल को मत छूना. मुझे मत देखना. Don't look me. इस प्रकार से जब हम मना करेंगे, forbid, ठीक है, तो don't करेंगे, किसी को मना करेंगे, तो इसमें हम request डाल देंगे. क्या डालेंगे? Request plus forbid, मना करना. ठीक है, रे अब जैसे हल्ला कर रहे हो तो मैं request अगर डांटते हुए बोलूंगा तो don't make noise. क्या बोलूंगा? Don't make a noise. क्या बोलूंगा? Don't make a noise. मैं बोलूंगा किसी को डांटते हुए तो क्या बोलूंगा? Don't make a noise. हल्ला मत करो. और इसी को जब मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट करते हुए कि कृपया करके हल्ला मत करो, तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट में हम डालेंगे प्लीज, डोंट मेक अ नॉइस. अब यहाँ पर हल्ला एक होता है जो ए लगा रहे हो, ठीक है, बहुत सारा होता है, लेकिन एक फ्रेज है ये. ठीक है, मेक अ नॉइज मीन्स होता है हल्ला करना. ठीक, अब जैसे दीपाली को एग्जाम में कम मार्क्स मिल गया है ना, तो उसकी मम्मी डांटेगी उसे, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज डोंट स्कॉल्ड. क्या बोलूंगा? प्लीज डोंट स्कॉल्ड मीन्स उसे डांटना मत, उसे डांटना मत. प्लीज डोंट स्कॉल्ड हर कर देते हैं, उसे डांटना मत.